तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पर नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई। बढ़िया होने चाहिए। सबसे पहले नीचे राम राम लिख दो, क्योंकि जब जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्टेड फील होता है। खैर गाइस, बात करें हम लोग मारुति सुजुकी की गाड़ी की, तो 90% लोग इसलिए लेते हैं कि माइलेज गाड़ी वो अच्छी देती है। अब ब्रेजा जो है उसमें मैं आपको बताऊं, एक बार यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्मार्ट हाइब्रिड लिखा हुआ है बेसिकली, और गाड़ी जो है रियल टाइम आप शो कर रही है 13.7, या जो भी है कंपनी ने क्लेम करा है कि हमारी गाड़ी देती है 20 के आसपास की माइलेज फॉर द एलेक्साई वेरियंट, क्योंकि टायर्स छोटे हैं, अलॉय व्हील्स नहीं है इसमें, एंड वजन भी कम है टॉप एंड वेरियंट से। एंड टॉप एंड वेरियंट में 19 समथिंग की माइलेज उन्होंने बताई है। पिछली वाली जो ब्रेजा आती थी उसकी 17 के आसपास माइलेज होती थी, बट इसमें क्योंकि स्मार्ट हाइब्रिड एंड बहुत सारी चीजें दे दी हैं तो इसकी माइलेज जो है इंक्रीज हो गई है। मैं अभी भगा रहा हूँ इसको 80-90 के बीच में, गाड़ी मेरी ब्रांड न्यू एकदम। आज मैं इसकी माइलेज कैलकुलेट करने वाला हूँ, गाड़ी एवरेज क्या देती है, क्या कुछ इसमें आपको मिलेगा, फुल एक बार इसमें टैंक कराऊंगा, थोड़ा सा एक अच्छा सा पेट्रोल पंप देख के उसमें ही कराऊंगा, एंड उसके बाद फिर मैं जा रहा हूँ गुड़गांव। तो जितना भी डिस्टेंस होगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ड्राइविंग जो रहेगी हाईवे प्लस थोड़ी बहुत सिटी की रहेगी, तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हाईवे की माइलेज निकलने वाली है। क्रूज करूंगा मैं 80-100 के बीच में, तो आपको अच्छे से यह अंदाजा पड़ जाएगा गाड़ी जो है एक्चुअल में कितनी कुछ माइलेज दे रही है। तो कुल मिला के मैं बात करूं, गाड़ी जो अभी तक बहुत ज्यादा अच्छी है। रिव्यू इनकेस नहीं देखा होगा आपने तो हम लोगों ने पूरी की पूरी एक रिव्यू वीडियो भी डाल दी थी, तो वो भी जाके जो आप लोग देख लीजिएगा। अभी चलते हैं डायरेक्ट पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल भरवाते हैं फुल इसका, एंड उसके बाद हम लोग टेस्ट करेंगे इसकी माइलेज। गया पेट्रोल पंप, और आई डोंट नो कौन सी कंपनी का है, नयारा करके कोई है पेट्रोल पंप, लेट्स सी। गाड़ियां यहीं पे रुक रही हैं, पीछे एचपी का था उस पर नहीं रुक रहा था कोई भी, तो मैंने भी सोचा कि इसी पे रोक लेता हूं, क्योंकि जब सब लोगों को विश्वास है तो हम लोगों को विश्वास करने में क्या जाता है ना। तो एक बार डलवाते हैं यहाँ पे पेट्रोल, उन्होंने मनाही कर दिया। नहीं है, नहीं है, नहीं है, ओ भाई पेट्रोल ही नहीं है। चलो कोई नहीं, रास्ते में कोई ना कोई तो आएगा ही सही। जो विश्वास करा है ये मेरे हिसाब से विश्वासघात हुआ है, क्योंकि यार मैंने एचपी पेट्रोल पंप को छोड़ के मैं नई सी ब्रांड पे गया, वाइन जैसा नाम लग रहा था, और वो लोग बोले है नहीं है नहीं है नहीं, तो यार वेरी बैड। यार आगे जून साहब पेट्रोल पंप आते हैं उसमें। वेल गाइस, मैं इस गाड़ी को पास्ट 1 घंटे से ड्राइव कर रहा हूँ, एंड गाइस ट्रस्ट मी, अगर आप मेरे से कंफर्ट रिव्यू पूछोगे ना इस गाड़ी का, यार सच्चे में इतना ज़्यादा ऑसम है, कोई थकावट नहीं किसी टाइप की, झटके आ रहे हैं ना छोटा सा एकदम बम्प लगता है और बिल्कुल पता नहीं चल रहा। रोड की अगर मैं बात करूँ भाई यही है देखो, और अगर हैंडलिंग देखोगे ना आप, ये देखो भाई जैसे मैं स्टीयरिंग व्हील को कह रहा हूँ इधर जा उधर जा, स्टीयरिंग व्हील वैसा ही ले रहा है, कह रहा है तू इधर भेजेगा मैं इधर जाऊँगा, तू उधर बोलेगा मैं उधर जाऊँगा, समझ रहे हो कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है यार। पूरी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कम्फर्ट रिव्यू की, लोगों को पूछूंगा बिठाऊंगा, उसमें सारी चीज़ें होगी, बहुत सारा कंटेंट ना आप लोगों के लिए वेट कर रहा है भाई। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वाले को भी, हर्ष व्लॉग्स वाले को भी, दोनों चैनल को यार। डेली काफ़ी देर बाद जो है पेट्रोल पंप आ गया है, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर पेट्रोल मिल ही जाएगा। अगर इनने भी ऐसे ऐसे हाथ हिला दिया तो आज तो पता नहीं माइलेज टेस्ट हम लोग कर पाएंगे, अभी नहीं कर पाएंगे नहीं, बट मेरे हिसाब से जो है यहाँ पे लोग भरने लग रहे हैं। ओके, सो मैं इस वाले में ही लगाऊंगा, एंड 2-3 थंबनेल भी जो है मुझे क्लिक करनी है, तो एक बार पेट्रोल भरवा लेता हूँ। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं जो है फर्स्ट ऑटो कट तक भरवाने वाला हूँ, यानी कि मैं हिला उलू के नहीं भरवाऊंगा, मैं सिर्फ ऑटो कट तक भरवाऊंगा। जैसे ही ऑटो कट हो जाएगा तो वहाँ पे मैं रोक दूंगा, सो दैट जब नेक्स्ट पेट्रोल पंप पे भराऊं तो भी जो है मेरे को सेम अंदाजा पड़ जाए, ठीक है। और यार मैंने ना पेट्रोल पंप से मोस्टली देखा है कि गाड़ी जो है टेढ़ी ऐसे खड़ी होती है, आई डोंट नो ये बनावट का तरीका होता है या फिर एक तरीका होता है ताकि आपकी गाड़ी में एक्स्ट्रा पेट्रोल आए, बस मैंने अपना एक नजरिया बताया, इसको आप सीरियस मत लीजिएगा किसी भी हाल में कि भाई ये बंदा क्या बोल रहा है, ऐसी वैसी बातें कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से ऑटो स्टार्ट स्टॉप जो है हो चुका है, जैसे ही मैं क्लच पे पैर रखूंगा गाड़ी जो अपनी स्टार्ट हो जाएगी। तो कई सारी चीजें हैं जो गाड़ी में दी गई हैं जिससे आपकी माइलेज जो है इंक्रीज होती है। अब लेट्स सी कि एक्चुअल में कितनी आती है। इधर होता है ये जी, अपन ने खोल दिया, अब चलते हैं एक बार बाहर, भाई से बात करते हैं, और यहाँ से गाड़ी में एक बार कर देता हूँ बंद, है ना, लाइट भी बंद कर देते हैं, चलिए बाहर चलते हैं। चलो जी भाई, ऑटो कट तक फुल कर दो। तो भाई अब एक बार भरवा लेता हूँ फ्यूल में, ठीक है, यहाँ से भरने लग गया अपना फ्यूल, ऑटो कट तक कर देना, पेट्रोल है, ठीक है। चलो भाई सी अब कितना कुछ आता है, और पेट्रोल का जो रेट है वो 97 रुपये चल रहा है, 97.22 के आसपास जो है। 47 लीटर की इसकी टंकी है, अभी हाफ से ज़्यादा थी थोड़ी, अब लेट्स सी। तो अभी अपना 1000 रुपये का तो आ चुका है 11 लीटर, लेट्स सी और कितना कुछ आएगा। कार से तो मैं एक्चुअल में परेशान ही हूँ, लेट्स सी इसमें कितना कुछ आता है अपना पेट्रोल या जो भी है, मतलब परेशान तो क्या हूँ थार से यार, वो बहुत बड़ी है, बट इसका देखते हैं, मारुति है और स्मार्ट हाइब्रिड भी है तो कितना कुछ जो है इसमें आएगा, वी विल सी दैट। फर्स्ट ऑटो कट पे रुकवा लिया है, 32 लीटर के आसपास आया है,
तो ये वाला जो है ये एक्चुअली मायने रखता है। अब मैं वापस डलवाऊंगा, उससे कैलकुलेट होगी माइलेज कितनी कुछ है, पेटीएम करना है। जैसे देख सकते हो गया, एक बार रीसेट कर देता हूँ एवरेज जो आ रही है अपनी वो। उसके बाद रेंज तो चलो 638 इसको इग्नोर करते हैं, और यहाँ से जो अपनी ट्रिप ए है उसको भी हम कर देते हैं रीसेट। ये 771 है ना, इसको भी हमने कर दिया जी रीसेट। ठीक है, मेरी जो ड्राइविंग रहेगी वो रहेगी मिक्स्ड सी, जिसमें हाईवे की ड्राइविंग भी रहने वाली है अपनी, और इसमें थोड़ी सी सिटी की ड्राइविंग भी रहने वाली है। इसमें दो तीन टाइप्स की ड्राइविंग जो है बेसिकली रहेगी, तो वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैं मोस्टली क्रूज करने वाला हूँ 80-90 के बीच में, जिससे जो है गाड़ी की माइलेज का एग्जैक्ट पता लगे। एक बार सीट बेल्ट पहन लेता हूँ, और मुझे चढ़ना है ऊपर KMPS, अभी हाईवे आएगा उस पे। ठीक है, तो वहाँ पे एग्जैक्टली अच्छे फिगर जो है अपना पता चल जाएगा, तो आपके सामने ही होगा जो भी होगा। ये कैसे चला के लिखेगा, एकदम आगे से इतना गंदा कट लिया इसने। एनीवेज, गाड़ी जो है एवरेज अभी 17.4 की दिखा रही है। गाड़ी का एक्सेलेरेशन छोड़ देते हो तो उस टाइम जो स्मार्ट हाइब्रिड है वो बैटरी चार्ज करना स्टार्ट कर देता है, एंड जैसे ही आप थोड़ा सा पंजा रखते हो तो उसके बाद जो है स्मार्ट हाइब्रिड जो है आपकी जो बैटरी है बेसिकली वो पावर देने लग जाती है गाड़ी को। तो ये इसका फंडा है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दिस इज कि आपकी जो गाड़ी है वो आपकी स्मार्ट हाइब्रिड वाली बैटरी है, जो यानी कि पीछे रखी हुई है, मतलब दिखती नहीं है, वो सीट के नीचे होती है। तो मोटर एक बेसिकली सेपरेट मोटर है, ये कुछ सीन है। तो स्मार्ट हाइब्रिड क्या होता है कि आपकी गाड़ी पेट्रोल पे चल रही है, कभी आपकी गाड़ी जो है वो इलेक्ट्रिक पे आ जाती है। तो काफी सही सिस्टम पानी मुझे लगा ये। गाइस अभी तक जो एवरेज दिखा रही है 21.1 की दिखा रही है, एंड नॉर्मली 60-70 पे क्रूज कर रहा हूँ। अभी बीच में फास्ट टैग भी लगवाना था आधे घंटे, उसमें जो है गाड़ी एसी ऑन के साथ खड़ी रही है। ठीक है, तो ये चीजें, ये फैक्टर्स हैं, आप ये माइंड में कंसिडर करिएगा कि ये सारी चीजें, और एसी जो है थ्रू आउट ऑन है, तो एसी भी ऐसा नहीं है कि बंद हुआ है अपना। तो अब एक बार चलते हैं। वो यहाँ से फरूख नगर है समवेयर अराउंड 39 किलोमीटर, ये दिख रहा है आपको 39। तो भाई इसी फरूख नगर से हम लोग लेंगे एग्जिट, तब तक जो गाड़ी है उसको 80 से 100 पे क्रूज करूंगा, स्पीड आपको सारी समझ में आ जाएगी। एंड फिर सबसे बड़ी चीज ये कि मारुति सीरियसली माइलेज अच्छी देती है क्या, ये चीज हमें पता भी चल जाएगी। आ गया है मिक्स्ड वाला वो रास्ता जिसको मैं बता रहा था आप लोगों को, कि बेसिकली अपना जो मतलब सिटी और हाईवेज और सारी चीजें इंक्लूडेड रहेंगी इसमें। तो ये एक गांव है बीच में, एंड अब आने वाला है थोड़ी देर में पेट्रोल पंप। तो माइलेज जो है समवेयर अराउंड, जैसे मैं उठाता हूँ, 9.9 की क्लेम करती है गाड़ी, एंड ऐसा ही कुछ चल रहा है। तो अब फाइनली देखते हैं कितनी माइलेज आई है गाड़ी की, एक बार पेट्रोल पंप पे लेके चलता हूँ। ट्रैफिक जैसे सिचुएशन भी आई है बीच में, इधर आपको दिख रहा होगा कि माइलेज यहाँ पे एकदम ड्रॉप है, क्योंकि गाड़ी खड़ी है ना, लंबे लंबे यहाँ पे जाम लगे हुए हैं। तो मिक्स टाइप से जो आपको मिलेगा यहाँ, तो यहाँ से राइट जाके आ जाएगा साई फ्यूल पंप, एंड यूजुअली मैं इसी से भरवाता हूँ। अच्छा पेट्रोल भरते हैं ये लोग, डीजल भी जब डलवाता हूँ तो इसी से डलवाता हूँ, तो काइंड ऑफ गुड है। तो अभी चलते हैं, राइट लेंगे यहाँ से, और फिर एक्जैक्टली माइलेज पता चल जाएगी आपको गाड़ी की कैसी है कैसी नहीं। यहाँ पे आ गया हूँ मैं, इधर आपको दिख रहा होगा, बेसिकली यहाँ से डलवाते हैं, एक बार अपना पेट्रोल फुल करवाते हैं, और सेम वही ऑटो कट वाला रहेगा अपना, ऑटो कट पे बंद कर देंगे। ठीक है, तो गाड़ी जो है मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, पहले कितनी चली है अपनी ट्रिप ए 55.9 किलोमीटर। ठीक है, लेट्स अज्यूम की 56 किलोमीटर है। अब यहाँ से खोल दिया एक ऑटो, तो भाई खोल दिया अपना 55.9। ठीक है, पेट्रोल भराएंगे यहाँ से, देखते हैं आपके सामने आएगी अभी माइलेज। लेट्स सी 2.85, बस रहने दो, निकाल लो 2.85, चलो 2.85 तक था उसमें, डाल दो आ रहे, तो भाई 2.85 था। ठीक है, अब वो उनको ये ध्यान नहीं रहा, तो 2.85 पे फर्स्ट कट ऑफ हुआ है। अब एक बार कैलकुलेशन करके देखते हैं कितना कुछ जो है आएगा कितना नहीं आएगा। गाड़ी ने जो माइलेज दिया ना, उसने मेरे होश उड़ा दिए हैं। 55.9 यानी कि हम लोगों ने 56 अज्यूम करा। ठीक है, इसको अब यहां से वापस रीसेट कर लेता हूं एक बार, क्या रीसेट छोड़ते हैं, हमें पता चली गया था। तो 56 किलोमीटर 2.58 से हम लोगों ने डिवाइड करा, तो समथिंग 19 कुछ कुछ आया। तो यार आप अब माइलेज का अंदाजा लगा सकते हो कि भाई ये चलती फिरती एक माइलेज की मशीन है आपकी ब्रेजा 2022, 19 की माइलेज दी है इसने हाईवे पे, मतलब और सिटी का भी ट्रैफिक था, और इसमें स्मार्ट हाइब्रिड ने भी अपना जो है काफी अच्छा खासा यूज दिखाया है। तो भैया बहुत ही जबरदस्त है, सच्ची में मजा सा आ गया यार।